उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बड़ी भाजपा की मुश्किलें। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री रह चुके धर्मपुरी के पूर्व विधायक जगदीश मोयल ने पार्टी के फैसले को डर और दबाव का नाम दिया। इधर वर्तमान विधायक कालू सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक जगदीश मोयल ने अपना मोर्चा खोलकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा में टिकट वितरण के बाद घमासान शुरू हो गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने धर्मपुरी विधानसभा से मनावर के ग्राम बजटा निवासी गोपाल कन्नौज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके चलते भाजपा संगठन के साथ वर्तमान विधायक कालू सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक जगदीश मोयल ने अपना मोर्चा खोलकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक जगदीश मोयल ने कहा कि संगठन से स्थानीय उम्मीदवार की मांग की गई थी, किंतु पार्टी ने उनकी मांग से विपरीत पार्टी से बगावत करने वाले गोपाल कन्नौज को उम्मीदवार बनाकर धर्मपुरी विधानसभा भेजा है। पिछले चुनाव में जो बागी उम्मीदवार मनावर का था, उस बागी को यहाँ धर्मपुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की छाती पर, तो उनको तो ससम्मान भी लिया गया है। अब अगर पार्टी ने डर और दबाव में लिया है उसको तो पार्टी में, तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी यहाँ करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा। हो सकता है कोई ना कोई हमारा भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़े, अगली बार मनावर या धार से उसको टिकट मिल जाए, भाई ये कहना पड़ता है।